हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ किया की सेल्टोस, जो कि फेसलिफ्ट वर्जन है, और ये पर्टिकुलर वेरिएंट HTE डीजल में है, IMT में है ये वाला वेरिएंट। तो आज इसको मैं आपको वॉक अराउंड और एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों दिखाऊंगा। इसका इंजन जो है वो 1.5 लीटर डीजल है, 4 सिलेंडर गाड़ी है। मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। इसका जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड इंजन है, जो पावर जनरेट करता है वो करता है 114 की, ये करता है BHP की पावर जनरेट करता है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 250 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, कवरिंग प्रॉपर करी गई है, और ऊपर आपको इंसुलेशन भी मिल जाएगी, ये भी प्रॉपर तरीके से करी हुई है। देख सकते हैं आप इंजन इसका। बॉनेट पे मिलेगा आपको सेंटर में किया का लोगो, ये मिलेगा आपको सैटिन ग्रे में, और जो ग्रिल मिलेगी ये आपको बोल सी ग्रिल मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी आपको रफ ब्लैक में। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं ये सिल्वर इंसर्ट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप हायर मॉडल में जाओगे, टॉप वेरिएंट्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे। ये जो एलिमेंट देख रहे हैं ये आपको पहले वाली सेल्टोस में भी आता था, बहुत ही अच्छा लगता है, ये शाइनिंग है इसकी बहुत ही अच्छी है। और हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स आपको बेस वेरिएंट में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। यहाँ पे पार्किंग लाइट आ जाएगी, ये भी आपको हेलोजन में मिलेगी, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ये भी आपको मिलेगा हेलोजन में। यहाँ मिल जाएगा आपको फॉग लैम्प का, वैसे तो ऑप्शन आती है लेकिन इस वेरियंट में नहीं आ रहा, और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट के साथ और रफ ब्लैक में मिलेगा ये वाला सेक्शन। और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी, सिल्वर ग्लॉसी में मिलेगी, इधर आपको मिल जाएगी रफ ब्लैक में ग्रिल मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी एयर इनटेक के लिए। और अब मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। साइड प्रोफाइल से गाड़ी प्रॉपर SUV गाड़ी है ये सेल्टोस। इसका जो कंपैरिजन है ये क्रेटा के साथ मेनली होता है। और साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे आपको टायर सेक्शन जो मिलेगा 205/65R और 16 इंच का आपको स्टील रिम्स मिलेंगे इसमें, और व्हील कवर्स कंपनी साथ में प्रोवाइड करवा रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं और रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स ही मिलेंगी। क्लैडिंग आपको मिल जाएगी ऑल रनिंग बोर्ड पे, और डोर के बॉटम पे भी आपको क्लैडिंग मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, बहुत ही अच्छी मिल रही है इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली। और फेंडर पे आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, ए पिलर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलेगा, और बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा। मोल्डिंग आपको इधर कोई सिल्वर गार्निश नहीं मिलती है। ORVM आपको मिलेंगे बॉडी कलर में, यहाँ पे आपको रफ ब्लैक मिल जाएगा बॉटम की तरफ, और डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे बॉडी कलर में मिलेंगे। ऊपर आपको रूफ रेल्स बिल्कुल नहीं आ रहे इस वेरिएंट में, ना ही सनरूफ आ रहा है, बेस वेरिएंट है ये। और क्वार्टर पैनल जो मिलेगा आपको, इधर आपको छोटा ग्लास मिल जाएगा। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर प्रोफाइल से गाड़ी कुछ आपको इस तरह से लग रही है, बहुत ही अच्छी गाड़ी लग रही है ये। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ये आपको बॉडी कलर में मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प मिल जाएगा हाई माउंटेड, लेकिन यहाँ पे ये स्पॉइलर नहीं है, जस्ट उसको शेप करा गया है स्पॉइलर की तरह। डिफॉगर नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, और वाइपर भी नहीं मिलेगा आपको। जो आपको मेन जो कंपनी ने अपलिफ्ट करा है वो करा है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है ये कनेक्टिंग लाइट का, लेकिन ये बेस वेरिएंट है, आपको रिफ्लेक्टर्स ही मिलेंगे इसमें। सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा सैटिन ग्रे में ही मिलेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेसमेंट आ जाएगी, ऊपर आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाएंगी। टेल लाइट्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगी हेलोजन बल्ब में मिलेंगी, यहाँ पे स्टॉप लैंप हेलोजन बल्ब में आएगा, टर्न इंडिकेटर भी आपको बल्ब में ही आएगा, लेकिन आपको लुक ऐसे लगेगा कि ये LED में है, पर ये LED में नहीं, हेलोजन बल्ब है। और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा आपको रिवर्स लाइट का, ये भी आपको हेलोजन में ही मिलेगा। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा बोथ साइड पे आपको, फोर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको रियर बम्पर पे, यहाँ पे नीचे आपको ग्लॉसी स्किड प्लेट ही मिल जाएगी, सिल्वर कलर में मिलेगी। इस तरफ आपको मिल जाएगी सेल्टोस की बैजिंग, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको IMT की बैजिंग। तो फ्यूल टैंक इसका आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे, ये आपको 50 लीटर्स का मिलेगा। कंपनी इसमें जो माइलेज क्लेम कर रही है वो कर रही है 20 लीटर्स, 20 किलोमीटर पर लीटर की इसमें एवरेज क्लेम कर रही है कंपनी। तो अब आपको मैं इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। इंटीरियर जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा प्रॉपर वन शेड में ही मिलेगा, ब्लैक कलर में मिलेगा। उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। की भी कंपनी इसमें बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवा रही है, बेस वेरिएंट में ऐसी की कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करवा रही है।
इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप टेल गेट ओपन कर सकते हैं। और फ्लिप मिलेगी ये आपको की कुछ इस तरह से मिलेगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डोर ट्रिम। डोर ट्रिम जो मिलेगा आपको, ये आपको हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा सारा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। जो डोर ओपनर है ये आपको सिल्वर में मिलेगा, और यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे। जो ओ आर वी एम्स है इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। ग्लास अप डाउन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और इधर आपको लॉक अनलॉक डोर यहाँ से कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल आपको हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा। यहाँ पे नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और इधर आपको स्टोरेज मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्पीकर जो मिल रहे हैं, 4 स्पीकर्स इसमें कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको मिलेंगी फैब्रिक में, बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ करा कंपनी ने, और कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है इसमें। और आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी मिल जाएगी, ये ड्राइवर साइड में मिलेगी आपको। स्टेयरिंग व्हील से शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ आपको स्टेयरिंग में व्हील जो मिलेगा 3 स्पोक में मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा, और इधर आपको MID कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुली डिजिटल में मिलेगा। इस साइड आपको हेडलाइट की टॉगल मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वाइपर की टॉगल मिल जाएगी। स्टेयरिंग व्हील जो आप एडजस्ट कर पाएंगे, या आप टिल्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक नहीं कर पाएंगे। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा AC वेंट, सिल्वर इंसर्ट के साथ मिलेगा ये। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, और इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोनेट ओपनर, और इधर आपको पेडल्स मिल जाएंगे, और उधर टेड पेडल मिल जाएगा। डैशबोर्ड जो मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रे इंसर्ट आ जाएगा। सेंटर में आपको कोई भी इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवा रही कंपनी। AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको, ये आपको सिल्वर इंसर्ट के साथ मिलेंगे। हैजर्ड लाइट का बटन आ जाएगा। AC के आपको नोब्स में मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं नोब्स भी। ये आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेगा। यहाँ नीचे स्टोरेज आ जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाएगा, और इधर आपको सी पोर्ट का चार्जर मिल जाएगा। गियर नॉब जो मिलेगा ये आपको मिलेगा लेदर रैप में मिलेगा। ये आपको जो इधर एलिमेंट देख रहे हैं ये सिल्वर इंसर्ट्स के साथ मिलेगा। 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाएगी, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, स्टोरेज के साथ मिलेगा ये। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्रैब हैंडल, ये फोल्डेबल में मिलेगा। सन वॉइजर मिल जाएगा आपको वैनिटी मिरर के साथ। ड्राइवर साइड भी आपको सन वॉइजर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा आपको, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट्स आपको मिल जाएंगी हेलोजन में, और IRVM आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो डिमर नहीं मिलेगा ये। सीट्स जो मिलेंगे आपको काफ़ी कंफर्टेबल है, ये फैब्रिक में मिलेंगी। नीचे यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, डिसेंट स्टोरेज के साथ मिलेगा ये। ओवरऑल डैशबोर्ड की कुछ लुक इस तरह से आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है डैशबोर्ड। पर्टिकुलरली अगर डिस्प्ले की बात करें इसके क्लस्टर की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वेरियंट में। बेस वेरिएंट में कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी बेस वेरिएंट में नहीं प्रोवाइड करवा रही है। तो अब मैं आपको इसकी रियर सीट्स दिखा देता हूँ। तो डोर ट्रिम आपको जो मिलेगा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, और इधर आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, ये आपको सिल्वर में मिलेगा। इधर यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। ग्लास अप डाउन के कंट्रोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और जो इसमें कंपनी प्रोवाइड करवा रही है ये सनशेड, ये कंपनी फिटेड ही आ रहे हैं, आप इसको आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, ये कंपनी ही प्रोवाइड करवा रही है, कोई भी गाड़ी में नहीं आ रहे हैं इस सेगमेंट की। तो आपको सेंटर में मिल जाएंगे 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको सी पोर्ट के चार्जिंग आ जाएगी, और इधर स्टोरेज आ जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल, फोल्डेबल में मिलेगा ये। रूफ लाइट मिलेगी आपको हेलोजन में। जो आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं ये आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल रहे हैं। जो इसकी सीट बेल्ट्स आ रही हैं इसकी भी आप हाइट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेयर में जो हेडरेस्ट है ये आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे, ये आपको हाइट इसकी एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिल रहा है सेंटर में। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, प्रॉपर नी रूम है, ऊपर हेड रूम भी काफ़ी है। ओवरऑल पीछे से आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ इस तरह से लग रहा है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इसमें 3 स्टार NCAP की रेटिंग मिली हुई है। वैसे इसमें कंपनी जो प्रोवाइड करवा रही है वो 6 एयरबैग्स करवा रही है। तो अब आपको इसका मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस जो कंपनी इसमें प्रोवाइड करवा रही है, ये आपको करवा रही है 433 लीटर्स का। बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है आपको इसमें, देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस है।
इधर आपको हुक मिल जाएगी, अप टू 2 kg तक आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो मिलेगा आपको नीचे मिलेगा, स्टील रिम में मिलेगा, साथ में टूल्स मिल जाएंगे, फर्स्ट एड किट मिल जाएगी। इसका जो टायर साइज रहेगा ये भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा बूट को बंद करने के लिए। तो गाइज आज आपको जो गाड़ी दिखाई है ये है किया की सेल्टोस IMT वेरिएंट है ये, डीजल में HTE। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग है इसकी 11,99,900 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है, कंपनी ने इसमें सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। और आप आफ्टर मार्केट भी ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करवा के इसको टॉप वेरिएंट भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। आप बताना आपको कैसे लग रहा है ये वेरिएंट, और वीडियो कैसे लगी आपको ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।